सो गाइस अभी हम पहुंच चुके बेड़ अपने दोस्त के रूम पे। ले तू ही पकड़, अब तू पकड़ बड़ा ले, तू ही पकड़, तू पकड़ पकड़। वेलकम बैक टू दी चैनल वंस अगेन। स्वागत है आप सभी लोग का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे आप लोग, होप करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज है भाई 25 दिसंबर। आज आप सोच रहे होंगे कि आज ये बंदा कहाँ जा रहा है करके। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ भाई अपने गाँव की तरफ, अस्कोट की तरफ। और अभी तक मैंने जो है अपने घर में भी नहीं बता रखा कि मैं अभी घर आ रहा हूँ करके। घर जाने का मेन कारण ये है कि काफ़ी टाइम, मेरे को 1.5 साल लगभग यहाँ पर हो चुका है। तो 1.5 साल से मैं घर नहीं गया हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि घर भी चले जाऊँ और एक ट्रिप भी मान लें। तो घर जाते जाते और एक दिन घर रुकेंगे, उसके बाद हम जाने वाले भाई मुंचारी। काफ़ी एडवेंचरस राइड होने वाली इस बार। बैग हमारे पास दो और थे। सुबह ही मैं 6 बजे अब छड़ेल से निकल गया था, फिर अपने दोस्त के रूम पे आया। टेंट और स्लीपिंग बैग वाला बैग था, उसको हमने धारचूला वाली गाड़ी में भिजवा दिया। और ये अपनी मौसी, मौसी प्रणाम, गुड मॉर्निंग। क्या पता आज हम अस्कोट भी रुक सकते हैं मेरे गाँव, और पिथौरागढ़ भी रुक सकते हैं, कोई फिक्स ही नहीं है। तो फटाफट से गोप्रो को करते हैं हेलमेट में माउंट और फिर मिलते हैं उसके बाद। तो गाइस रेडी हो चुके हैं हम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। राइड को शुरू करने से पहले भगवानों का नाम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं अपने सफर की, और सफर जो है भाई इस बार बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है। बहुत ज्यादा मतलब 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर के आसपास का होने वाला है, और काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये जो व्लॉग है काफी छोटे छोटे पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा, कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे व्लॉग बनाए। सो गाइस अल्मोड़ा है यहाँ से 86 किलोमीटर दूर, रानीखेत 83, और नैनीताल है 34 किलोमीटर दूर। सो गाइस अभी हम निकल रहे हैं काठगोदाम से पिथौरागढ़ की, और अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि हम लोग कहाँ से जाएं। एक तो हम सोच रहे हैं टनकपुर वाले रास्ते चले जाएं, एक सोच रहे हैं हम ये भीमताल वाले रास्ते अपना। तो देखते कैसा रहता है, अब यहाँ पर किराए पे डिसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर से यह टनकपुर वाला है, पूरा हाईवे है, तो हाईवे में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। तो हम सोच रहे हैं हल्द्वानी चोर गली वाले रास्ते हुए चले करके। तो ये रास्ता भी हमने नहीं देखा हुआ है, हम सोच रहे हैं कि यहीं से चले जाएं चोर गलियां होते हुए। तारगंज है भाई सीधे 45 किलोमीटर, और बरेली है राइट में 100 किलोमीटर, और दिल्ली 276। तारगंज वाला सीधा बता रहा है भैया, ये चोर गली वाला रास्ता कौन सा है? सीधा, ठीक, थैंक यू। आज मैं जो है भाई पूरे 1.5 साल बाद अपने घर अस्कोट जा रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी तक मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया कि मैं अस्कोट आ रहा हूँ, अपने गांव आ रहा हूँ करके। तो मम्मी को मैंने बहुत ही स्पेशल सरप्राइज़ देना है, और भले उन्हीं के पैसे से मेरे को वो सरप्राइज़ देना है। काफ़ी टाइम से मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, अभी उन्हीं के पैसे से उन्हीं को सरप्राइज़ मिलने वाला है, काफ़ी भयंकर वाला। और मैंने मम्मी को बोला है कि मैं जा रहा हूँ भाई अल्मोड़ा, और कॉल वॉल ज़्यादा मत करना क्योंकि मैं बाइक चलाऊँगा तो डिस्टर्ब हो जाता है इसलिए। और मुंशारी की जो बात करें, मुंशारी हम जाने वाले हैं, तो वहाँ पर जो है मेरे दो दोस्त या एक दोस्त पिथौरागढ़ से होगा शायद इस ट्रिप को ज्वाइन करेगा, तो जैसा भी होता है देख लेंगे वहाँ पे। और आज शायद हम पिथौरागढ़ भी रुक सकते हैं या अस्कोट चले जाएं, मतलब टाइम पे डिपेंड है कितने टाइम पे हम पहुँचेंगे। चोर गलिया यहाँ पर से 10 किलोमीटर, टनकपुर वाला हाईवे हमने पकड़ लिया है, ये रास्ता जो है टनकपुर होते हुए चलेगा। तो अभी चोर गलिया आएगा, सितारगंज आएगा शायद। सितारगंज बचा है 23 किलोमीटर, और अभी चोर गलिया रह गया है सिर्फ 2 किलोमीटर। ओहो, क्लोज कॉल। तो ये भाई चोर गली है, तो यहाँ से मुड़ना है भाई हमें सितारगंज की और अपना। तो सितारगंज खटीमा होते हुए हम चलेंगे, चोर गलिया से हम निकल चुके हैं अभी सितारगंज के लिए। दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, दीवाना मैं चला उसके घर का पता, ये हवा ये फिजा, दीवाना मैं चला।
सो गाइस खटी में बचा है यहाँ से 35 किलोमीटर दूर सितारगंज 7 किलोमीटर और किच्छा 36 किलोमीटर। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं प्रतापगढ़ से थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। तो इस रूट को फॉलो करते हुए हम निकलेंगे सितारगंज नानकमत्ता खटीमा टनकपुर होते हुए। तो अभी हम नानकमत्ता भी जा सकते हैं, तो वहाँ पर एक गुरुद्वारा है तो नानकमत्ता में, तो वो एक्सप्लोर करके चलेंगे। सो गाइस ये है अपना गुरुद्वारा नानक, तो आगे नानक मत्ता दिख रहा है वहाँ सामने पे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा और देखो काफी सुंदर है भाई, भाई साहब मजा आ गया। फ्री निशुल्क पार्किंग, वाह भैया वाह वाह वाह। सो गाइस अभी जो है ये झाड़ू और नमक ले लिया, तो गाइस अभी हम गुरुद्वारे में मत्था वत्था टेक के आ चुके हैं और ज़्यादा यहाँ पे वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं, चल चुके हैं अपने वापस जर्नी की ओर। ये रूट को फॉलो करते हुए हम निकलेंगे अभी टनकपुर खटीमा वाले रास्ते पर, पूछ लेते हैं कौन सा वाला भैया, टनकपुर वाला कौन सा सही रहेगा। अच्छा ठीक, थैंक यू भाई। गुरुद्वारा एकदम भाई एक नंबर, भाई एक नंबर, बहुत ही तगड़ा भाई गुरुद्वारा। यही है ये वाला, ठीक थैंक यू। तो आप लोगों से भी यही बोलना चाहता हूँ, जब भी आपको अगर मौका लगता है, अगर टाइम है आपके पास, तो इस जगह को चेकआउट जरूर करें। अंदर जाओगे ना मतलब एक अलग ही सी वाइब है भाई अंदर, आंखें ऐसी लग रही है जैसे कि सोने का महल है भाई अंदर। जो फीलिंग आ रही थी ना भाई, एकदम ऐसा लग रहा था भाई स्वर्ग में पहुँच गया भाई। जो गुरुद्वारे में फैसिलिटी थी ना भाई, एक नंबर फैसिलिटी भाई, हाथ धोने की व्यवस्था से लेकर पाँव धोने की व्यवस्था से लेकर भंडारा और प्रसाद काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था भाई, तगड़ा ही सीन। ये देखो भाई नानकमत्ता जी, भाई साहब पूरा सागर है भाई। ये देखो गाइस, ओ भाई साहब मजा आ गया। वो वहाँ से स्टार्ट होती है बोटिंग वगैरह और वहाँ पर वो पुल टाइप का है पानी निकासी के लिए। ये देखो भाई साहब समुद्र, तो अभी हम नानकमत्ता में हैं। नानकमत्ता से हमें 41 मिनट लगेंगे टनकपुर पहुंचने में। यूएल लोकेशन से अब हम कर देते हैं एस्कॉर्ट, तो 232 किलोमीटर अभी और हमें जाना है। कितना टाइम लग रहा है, 5 आवर 46 मिनट अभी और लग रहे हैं हमें। भाई साहब हम 6 या 7 बजे घर पहुंचेंगे। अभी हम इस जगह को बाय बाय कर रहे हैं और निकल रहे हैं भाई टनकपुर पिथौरागढ़ के लिए। तो टनकपुर यहाँ से 36 किलोमीटर दूर है और उसके बाद अभी जो है पिथौरागढ़ का जो रास्ता है बहुत ज़्यादा लंबा है, 236 किलोमीटर वो भी बचा हुआ है। सो आई थिंक यहाँ से पानी निकलता है। हाँ सही है सही है, क्यों ऐसा ही गुलरबोज में भी हमें देखने को मिलता है। तो गुलरबोज में भी जो था सेम यही था। तो आपने अगर मेरा गुलरबोज वाला वीडियो नहीं देखा तो जल्द से जल्द जाके गुलरबोज वाली वीडियो देख लें। खटीमा शहर राइट की ओर अभी हम जा रहे हैं टनकपुर, तो खटीमा शहर की ओर नहीं जाएंगे भाई, सीधा चलेंगे टनकपुर। सच बोल रहा हूँ ना, गाड़ी चलाने में बिल्कुल ऐसा हो रहा है एकदम रेस खींचे रहो एकदम कुत्ते की तरह और चलते रहो, कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा भाई। पहाड़ों वाली फील बिल्कुल यहाँ पर हम मिस करते हुए टनकपुर सीधे और भाई पूर्णागिरी भी सीधे। पूर्णागिरी मंदिर के बारे में तो आपने सुना होगा, काफ़ी विशाल का ये मंदिर, काफ़ी माना जाना मंदिर है, तो मैया जी का वो मंदिर है पूर्णागिरी। टनकपुर यहाँ से है भाई 91 किलोमीटर। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं बनबसा, बस टनकपुर भी जस्ट हम पहुंचने वाले हैं, अभी करीबन 10 किलोमीटर शायद और होगा। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं टनकपुर, टाइम हो रहा है गाइज 1:50। चलो भैया चलो पिथौरागढ़ की और मुड़े। तो ये है भाई प्रॉपर सेटअप, अभी हम इस सेटअप में नहीं आए, सेटअप के साथ साथ भैया प्रोडक्ट भी है उनके पास। देखो हम तो लौटे घुमाने में रह गए हमेशा।
गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सुखी डैम। तो गाइस खाना वाना खा लिया है, तो 1:58 हो रहे हैं और अभी हम निकल रहे हैं कहाँ से, सूखी डांग से निकल रहे हैं चंपावत के लिए। चंपावत कितनी दूर हुआ यहाँ से? तो गाइस चंपावत यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, अपनी बाइक भी है, सामान लोड कर रहे हैं और वापस से चल रहे हैं अभी चंपावत की ओर। अच्छा वापस नहीं जाना है, हमने जाना है पिथौरागढ़ है, तो पिथौरागढ़ भी रुक सकते हैं और अस्कोट भी रुक सकते हैं, देखते कैसा सीन है। अभी हम निकल चुके हैं सूखी ढांग से चंपावत की ओर और चंपावत की जो डेस्टिनेशन है लगभग 50 किलोमीटर की है। इट्स लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू घर, बहुत ज़्यादा मज़ा आई, इससे ज़्यादा हम इंग्लिश ना बोल पाएं, सो यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग, सो इट्स वेरी हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। सो गाइस पिथौरागढ़ यहाँ से 121 किलोमीटर और चंपावत है 45। अभी हम पहुँचे सिनयाड़ी। मजे की बात यह है, एक अभी हमारा दोस्त यहीं हमें सूखी ढांग में मिल गया, मतलब उसने मेरे को देख लिया तो कॉल वगैरह घुमाया उसने साथ वाले को, तो अभी मैंने उसको भी ठग्गू बना दिया कि हम नहीं है भाई, हम अल्मोड़ा में हैं करके, तो क्या पता अभी रास्ते में भी मिल सकता है। वाह भाई वाह 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 वाह, ऐसा व्यू देखने के लिए तो मैं तरस गया था भाई, ऐसा लग रहा जेल से छूट के वादियां देख रहा हूँ। भाई यहाँ पर एक जगह है रीठा साहिब, 98 किलोमीटर है, एबर्ट माउंट करके एक जगह किला है, काफी डरावना किला, मैंने काफी सुना है उस किले के बारे में। बहुत सारी चीजें हैं उत्तराखंड में एक्सप्लोर करने के लिए, धीरे धीरे बढ़ रहे अपनी जर्नी की तरफ, लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है यार यहाँ पे तो। वो देखो भाई साहब ऐसा तगड़ा मंदिर देखो भाई, अभी आईफोन से जूम करके दिखाता हूँ आपको। चंपावत हम जस्ट पहुंचने वाले हैं, 9-10 किलोमीटर रह गए भाई, देख लो वादिया। चंपावत पर आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है भाई। धारचूला है 171 और पिथौरागढ़ है 79, बिल्कुल मजा आ गया दोस्तों। चल तो भाई ये है चंपावत की मार्केट, चंपावत में काफी ठंडा हो रहा है गाइस। तो यहाँ से भाई गंगोली हाट, पिछनावे, अल्मोड़ा 136, मुंशारी 205, तवाघाट 185, धारचूला 168 और पिथौरागढ़ अभी 76 किलोमीटर दूर है। अभी हम पहुंच चुके हैं लोहा घाट और लोहा घाट से जो पिथौरागढ़ की डेस्टिनेशन है 63 किलोमीटर की। बच्चों को देखो कितना अन्याय हो रहा है, देखो क्यूट सी बच्ची के साथ इतना अन्याय, और आंटी लोग बिल्कुल दैल फैल के बैठे हैं और ये लोग डिक्की में घुसा रखे। बताओ जब मैं भी छोटा था मेरे साथ भी ऐसी कुछ हरकतें हो जाती थी कभी कभार, तो अपना बचपन याद आ रहा है मेरे को। सो गाइस घाट बचा अभी 29 और पिथौरागढ़ 59। धूप भी बिल्कुल जा चुकी है, ओ भाई साहब। पिथौरागढ़ गाइस 52 किलोमीटर और धारचूला 148। भैया देखो शाम होने वाली है, भैया 5:30 हो चुके हैं गाइस, हल्की हल्की शाम हो चुकी है, चंदा मामा निकल चुके हैं भैया, अब हो चुका है खतरनाक वाला अंधेरा, तो इसलिए हमने चला लिया भाई फॉग लाइट। पहुंच चुके हैं हम अभी घाट, चूला है 121 और गंगोली घाट 48 और पिथौरागढ़ है 29 किलोमीटर दूर और यहाँ पर एक छोटी सी चौकी। पिथौरागढ़ से आगे धारचूला एक जगह है जो 121 किलोमीटर दूर है और तवाघाट 145, गुंजी 206, लिपु पास 250, लिपु लेक दर्रा जिसे बोलते हैं लिपु लेक पास, जैसे अपने लद्दाख वगैरह में होता है वैसे ही पास है भाई साहब, एकदम लद्दाख वाली फीलिंग आती है भाई साहब इस जगह पे। खाली पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर नहीं बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर देख ही सकते हैं कि आप गूगल में भी सर्च कर लें और अपने इंटरनेट सोर्सेज इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह से भी यूट्यूब से देख सकते हैं कि पिथौरागढ़ में कौन कौन सी घूमने की जगह है, तो बहुत सारी लोकेशन आपको मिल जाएगी। मतलब ऑल ओवर इंडिया में जो आपको मजा नहीं आ पाएगा वो आपको सिर्फ पिथौरागढ़ आके आ जाएगा। देखते हैं प्लान कैसा रहता है, हम पिथौरागढ़ भी रुक सकते हैं, अस्कोट भी जा सकते हैं। अभी हम कहाँ पहुँचेंगे? घाट से ऊपर पहुंचे हैं, 20 किलोमीटर और होगा ना, 22 किलोमीटर है पिथौरागढ़, 22 किलोमीटर पिथौरागढ़ अभी और होगा। Yes, guys. अच्छा ठीक है दादी, मिलते फिर कभी, चाय पीने के लिए रुके थे हम, आज कंफर्म ही हो गया कि पिथौरागढ़ रुक रहे हैं करके। अभी हम पहुंच चुके हैं गुंडा माता मंदिर, सामने दिख तो वही रहा है मुझे, ऐसा आभास हो रहा है, गुंडा माता को भी यहाँ पे नमन करते हैं। तो गाइस ये है गुंडा माता, नमन करते हैं। जब भी आप पिथौरागढ़ से हल्द्वानी की ओर आते हैं तो इस वाले मंदिर पे जरूर रुकें और जो भी आपकी मनोकामना है जरूर पूरी होगी। ओ
और निकलने अभी पिथौरागढ़ की ओर। तो गाइस पिथौरागढ़ पर जस्ट पहुंचने वाले हैं। तो भाई गोप्रो अपने आप बंद हो जा रहा है यार, 39% बैटरी है, थोड़ी इसकी सेटिंग वगैरह सुधारनी पड़ेगी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने पिथौरागढ़ मिनी कश्मीर। ऐसा लग रहा है गाइस शादी है यहाँ, पूरी लाइटें सजा रखी है यार, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। वाह गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बेड अपने दोस्त के रूम पे। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चैनल पे नहीं होता सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते बढ़िया सी नई वीडियो के साथ। जय भारत, जय उत्तराखंड।